बहुत ही शानदार आने वाला है, तो स्टे ट्यून, बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू मेकअप ट्यूटोरियल। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मेकअप ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ। रो मेकअप ट्यूटोरियल मैं रोशनी के ऊपर करने वाली हूँ। और आज का मेकअप ट्यूटोरियल है, उसका टॉपिक है राजपूती मेकअप, जो कि मेरी वीडियोज़ में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मेकअप है। क्योंकि आप सबको राजपूती मेकअप मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप हमेशा बहुत पसंद करते हो, तो इस बार भी मैं राजपूती मेकअप ट्राई कर रही हूँ। मैंने कहा हमेशा मैं मेरे ऊपर करती हूँ, पर इस बार कुछ डिफरेंट करती हूँ, और उससे आपको पता भी चलेगा और डिटेल में आपको बता भी पाऊँगी मैं, क्योंकि फेस अलग अलग होंगे तो आपको देखने का भी मज़ा आएगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम मेकअप करने वाले हैं इनके ऊपर, तो इनका फेस आप देख सकते हो। अभी फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। सबसे पहले मैं फेस पर इल्यूमिनेटर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा एक ग्लोसी मेकअप चाहिए। शुगर का इल्यूमिनेटर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इल्यूमिनेटर मैंने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब मैं इनके फेस पर अच्छे से प्राइमिंग करूँगी। इनकी स्किन एकदम इवन है, इसलिए मैं इसमें कोई करेक्टर यूज़ नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं फाउंडेशन ही यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन अप्लाई हो गया है, अब मैं यहाँ पर शुगर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर और फाउंडेशन मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब इसको अच्छे से सेट करने के लिए मैं यहाँ पर शुगर का टिंटेड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। फेस पर मैंने फाउंडेशन और कंसीलर को अच्छे से सेट कर दिया है टिंटेड पाउडर से। अब मैं इनके फेस के कॉन्टोरिंग करूँगी ब्रॉन्जर से। यहाँ पर मैं शुगर का मिनी ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। फेस की कटिंग तो हो चुकी है, अब मैं फेस पर ब्लश अप्लाई करूँगी, और ब्लश भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का कॉम्पैक्ट, शुगर का छोटा सा ब्लश यूज़ कर रही हूँ, जिसका शेड बहुत ही अच्छा है। अब आ जाती है फेस की हाइलाइटिंग की बारी। तो हाइलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का मिनी हाइलाइटर, इसका शेड भी बहुत अच्छा है, गोल्डन शेड है ये। अब आ जाती है आई मेकअप की बारी। आई मेकअप करने से पहले मैं आईब्रोज को अच्छे तरीके से फिल कर दूंगी, क्योंकि इनके आईब्रोज में बहुत ही ज़्यादा गैप्स है, तो उन गैप्स को फिल तो करना ही होगा। तो आईब्रो डिफाइनिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का आईब्रो डिफाइनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब आईब्रोज को अच्छे से कॉम कर रही हूँ मैं। मेकअप में बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर रही हूँ, ताकि आपको भी क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको भी एकदम इजी वे में बहुत ही अच्छा गॉर्जियस लुक मिल सके। तो यहाँ पर आई मेकअप के लिए मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ शुगर की वंडर वुमन। मैं इसमें से पिक कर रही हूँ पिंक शेड, क्योंकि हमारा जो राजपूती है वो ग्रीन कलर का है, ग्रीन के साथ पिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसी के अंदर मैं इसके जस्ट पास में एक पिंक ग्लिटर वाला शेड है, वो इनर कॉर्नर में अप्लाई करूँगी। अब आ जाती है आईलाइनर की बारी। शुगर की सबसे बेस्ट आईलाइनर मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही अच्छी आईलाइनर है। जब तक आईलाइनर सूख रही है, तब तक हम मस्करा कर देते हैं, और मस्करा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का डबल डेट मस्करा, जो कि बहुत ही अच्छा एक मस्करा है। अब
अब आ जाती है लिप्स की बारी। तो लिपस्टिक लगाने से पहले क्यों ना थोड़ा लिप्स को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। लिप्स को प्रिपेयर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की लिप बाम, जो कि लिप्स को बहुत ही अच्छे से नरिश्ड कर देगी। तो यहाँ पर मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ मिस कॉस की लिक्विड लिपस्टिक। ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है और इसका शेड भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। अब आ जाती है काजल की बारी। तब तक हमारा जो मस्करा है और आईलाइनर है वो सूख चुकी है। काजल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक की। तो मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फेस पर कंप्लीट इस मेकअप को फिक्स करने के लिए फिक्सर यूज़ कर रही हूँ और फिक्सर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का। मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको हम दिखाएंगे हमारा फाइनल लुक, क्योंकि अभी तो सिर्फ मेकअप हुआ, फाइनल लुक तो बहुत ही शानदार आने वाला है। तो स्टे ट्यून, बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए। हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो आप, ये हमारा है फाइनल लुक। और जो आपने देखा था कि मेकअप सिर्फ कैसा लग रहा था और पूरे गेटअप के साथ ये मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। पूरा मेकअप कर रही होंगी तब कितने जनों को ये लग रहा होगा बहुत सिंपल है, इजी है, फास्ट है। बट ये फास्ट और सिंपल मेकअप के साथ भी आप इतना अच्छा गॉर्जियस लुक क्रिएट कर सकते हो, तो मस्ट बी ट्राई। बहुत ही अच्छा लुक है, बहुत ही अच्छा क्रिएट होगा। और अगर अच्छा क्रिएट हो तो कमेंट करना अच्छे से अच्छा, तो मुझे भी पता चलेगा और अच्छा राजपूती पोशाक के ऊपर मेकअप क्रिएट करने का। अगर आज का मेकअप आपको अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अच्छे अच्छे मेकअप के ट्यूटोरियल्स देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मेकअप के ट्यूटोरियल में।